हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग 11th का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। तो आइए चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे जो पहले भी पढ़ चुके हैं, तो एक बार उसको रिवाइज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है जिससे हर एक साल जेई मेंस में जेई एडवांस में सवाल पूछा जाता है। तो बेसिक टर्म्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जिसमें पहला टर्म है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारा टर्म्स हो और जहां हर एक टर्म का फॉर्म हो सी इंटू एक्स टू दी पावर एन, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स बहुत सारा हो लेकिन जिसमें जहां हर एक टर्म का जो फॉर्म होगा वो होगा सी इंटू एक्स टू दी पावर एन। साथ ही कंडीशन वेयर एन बिलोंग्स टू नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। यहां पर पावर जो होगा वो नॉन, हमेशा नॉन निगेटिव इंटीजर्स होगा, मतलब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में के हर एक टर्म में वेरिएबल का जो पावर होगा वो हमेशा क्या होगा? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। जैसे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि जितना भी टर्म है हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर कितना है? नॉन निगेटिव। दूसरा x प्लस वन बाय एक्स, तो यहां x का पावर तो 1 है लेकिन यहां इस टर्म में x का पावर कितना है? माइनस 1, जो कि पॉसिबल नहीं है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, इसलिए ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। क्लियर है? तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या हुआ? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म, कंटेनिंग many terms of the form c into x to the power n, where n belongs to non-negative integers. Example, x cube minus x square plus 2x plus 1, तो ये एक polynomial expression है लेकिन x प्लस वन बाय एक्स ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहां x का इस टर्म में x का जो पावर है वो कितना आ रहा है? माइनस वन, इसलिए ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। क्लियर है? अगला टर्म है रियल पॉलिनोमियल एंड कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। रियल पॉलिनोमियल एंड कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, तो एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू
ए वन एक्स टू दी पावर एन वन प्लस ए टू एक्स टू दी पावर एन टू प्लस ए थ्री एक्स टू दी पावर एन थ्री प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन एन। ये मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, बी ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब अगर यहां जितना भी कॉफिशियंट्स है, अगर सारा कॉफिशियंट और जो वेरिएबल है एक्स, वो अगर सारा रियल नंबर से बिलोंग करे तो वैसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को कहते हैं रियल पॉलिनोमियल, और अगर ऐसा नहीं है, उसमें से कोई भी एक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है, तो वैसे एक्सप्रेशन को कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। क्लियर है? इफ ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन बिलोंग्स टू आर एंड ए वन से लेके ए एन तक और साथ में एक्स अगर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड रियल पॉलिनोमियल, अदरवाइज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, कैसा ये एक्सप्रेशन है? रियल, और एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस थ्री आई इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो माइनस वन, ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? सो वैसा एक्सप्रेशन जिसमें जितना भी कॉन्स्टेंट है ए वन ए टू ए थ्री, ये सब सारा का सारा उसके साथ साथ जो वेरिएबल है एक्स, अगर वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो वैसे एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं रियल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, और अदरवाइज उसमें कोई भी एक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो वैसे एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं जिसका नाम है रैशनल एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है? वैसा एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स बाई क्यू एक्स, वेयर px and qx are polynomial in x and qx not equal to 0. वैसा एक्सप्रेशन जिसका फॉर्म हो px by qx, जहां px भी एक पॉलिनोमियल हो x वेरिएबल में और qx भी एक पॉलिनोमियल हो x वेरिएबल में, जहां न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म हो और दोनों का दोनों एक्स वेरिएबल में अगर पॉलिनोमियल है, साथ ही डिनोमिनेटर जीरो के बराबर ना हो, क्योंकि कहीं भी डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होता है, क्योंकि जैसे डिनोमिनेटर जीरो होगा वो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। इसलिए यहां कंडीशन लगा हुआ है क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो यहां न्यूमरेटर भी एक पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल है, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है वो कहलाएगा रैशनल एक्सप्रेशन। आया समझ में? तो वैसा एक्सप्रेशन जो पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में हो, जहां पी एक्स भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो, क्यू एक्स भी एक
पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो और साथ ही डिनोमिनेटर जीरो के बराबर ना हो, तो वैसे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। तो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, रियल पॉलिनोमियल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, और रैशनल एक्सप्रेशन हम लोग किसको कहते हैं। यहां तक क्लियर है? चलो लिखो। अब अगला पॉइंट है पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर fx be a polynomial expression in x, polynomial expression in x, अगर fx एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है x वेरिएबल में, देन fx इक्वल टू जीरो। अगर fx कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है तो fx इक्वल टू जीरो जो इक्वेशन होगा वो कहलाता है पॉलिनोमियल इक्वेशन। एग्जाम्पल एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये हो गया, मान लेते हैं fx, ये fx है, fx का टर्म है, x का फंक्शन है, fx ये पॉलिनोमियल है, तो fx इक्वल टू जीरो। कैसा इक्वेशन हो गया, पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्लियर है? अब हर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन के पास कम से कम एक रूट तो होगा ही, कम से कम एक रूट होगा, और मैक्सिमम कितना रूट होगा, जितना उस इक्वेशन का ऑर्डर है। जितने डिग्री का इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो उतना ही रूट्स होगा उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के पास, चाहे वो रूट्स रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, रूट्स सिमिलर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के पास कम से कम एक रूट होगा ही, और मैक्सिमम रूट्स कितना होगा, जितना उस इक्वेशन का डिग्री है। ठीक है? सो एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन रूट एंड एट मोस्ट आर रूट्स वेयर आर इज द डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन। किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के पास कम से कम एक रूट्स होगा, और मैक्सिमम कितना रूट्स होगा, एंड एट मोस्ट अधिक से अधिक कितना रूट्स होगा, आर होगा, जहां आर क्या है, डिग्री है उस इक्वेशन का। तो अब ये डिग्री क्या होता है किसी इक्वेशन का, डिग्री ऑफ इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल्स का पावर देखेंगे, और वो जो पावर सबसे अधिक जो भी होगा वही कहलाता है डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन। इट इज द हाईएस्ट पावर पावर ऑफ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ
इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में जो टर्म होता है, टर्म में जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही कहलाता है उसका डिग्री। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन का डिग्री कितना है? टू। डिग्री इज इक्वल टू कितना? टू। एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, डिग्री कितना है? थ्री। तो किसी भी इक्वेशन का डिग्री का मतलब उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वो उस इक्वेशन का डिग्री कहलाता है। और किसी भी इक्वेशन के पास, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के पास उतना ही मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स होता है जितना कि उस इक्वेशन का डिग्री है, और कम से कम तो एक रूट्स होगा ही। क्लियर है? चलो अब अगर डिग्री ऑफ इक्वेशन इज वन, देन इक्वेशन इज लीनियर। इक्वेशन इज कॉल्ड क्या? लीनियर। अगर किसी इक्वेशन का डिग्री वन है तो इक्वेशन कहलाएगा क्या? लीनियर। अगर डिग्री ऑफ इक्वेशन टू है देन इक्वेशन कहलाएगा क्या? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। अगर इक्वेशन का डिग्री तीन है तो कहलाएगा क्यूबिक। अगर इक्वेशन का डिग्री चार है तो क्या कहलाता है? वाई क्वाड्रेटिक। वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक अगर डिग्री है तो लीनियर इक्वेशन कहलाता है, दो डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, तीन डिग्री है तो क्यूबिक, और चार डिग्री है तो बाई क्वाड्रेटिक कहलाता है। इसी तरह से आगे पेंटिक, हेक्सटिक, हेप्टिक वगैरह वगैरह जितना हमें जरूरत नहीं है। तो हमें मैक्सिमम क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और मैक्सिमम अधिक से अधिक कभी कभी बाई क्वाड्रेटिक तक ही पढ़ना है। यहां तक क्लियर है? तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, रियल पॉलिनोमियल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, रैशनल एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, किसी इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन किसको कहते हैं, किसी इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, और डिग्री के बेस पर इक्वेशन का क्या नाम होता है। डिग्री अगर जैसे डिग्री वन है तो लीनियर, डिग्री टू है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री तीन है तो क्यूबिक, डिग्री चार है तो बाई क्वाड्रेटिक। तो इस तरह से डिग्री के बेस पर इक्वेशन का नाम क्या होता है उसको हम लोगों ने देखा। अब आते हैं तो आगे हम लोग अब देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटी किसको कहते हैं, आइडेंटिटी। इससे पहले हम लोग इक्वेशन और एक्सप्रेशन के बारे में जानें। अब देखते हैं आइडेंटिटी क्या होता है। तो एक्स वेरिएबल में कोई आइडेंटिटी का मतलब जो उस वेरिएबल के हर एक वैल्यू से सेटिस्फाई हो। एन आइडेंटिटी इन एक्स इज सेटिस्फाइड बाय ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स वेरिएबल में अगर कोई आइडेंटिटी है तो वो एक्स के हर एक रियल वैल्यू से सेटिस्फाई होगा। जैसे x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। यहां x के जगह पर कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हर एक वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये आइडेंटिटी है। जबकि अगर इक्वेशन होता तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता कौन है? उसका रूट्स। और किसी इक्वेशन के पास कितना रूट्स होता है? तो जितना उस इक्वेशन का डिग्री है।
तो किसी इक्वेशन को उतना ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा जितना उस इक्वेशन का डिग्री है, जबकि आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करने वाला हर एक रियल वैल्यूज होता है। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू किसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि वो आइडेंटिटी नहीं है। और अगर किसी इक्वेशन के पास जितना रूट्स है उससे एक ज्यादा वैल्यू अगर सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब कि अब वो आइडेंटिटी है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव मॉड एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। यहां दोनों जगह हम देख रहे हैं x के जगह पर अगर हम जीरो रख रहे हैं तो वो दोनों में से कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को या फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन आइडेंटिटी नहीं है। तो ये दोनों क्या है, इक्वेशन है। अगर ये आइडेंटिटी होता तो जीरो भी इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता, लेकिन चूंकि जीरो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सिर्फ एक इक्वेशन है ना कि आइडेंटिटी है। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में बेसिक डिफरेंस क्या है, इक्वेशन को कुछ खास वैल्यू ही सेटिस्फाई करता है जबकि आइडेंटिटी को हर एक रियल वैल्यू सेटिस्फाई करता है। अगर कोई भी एक ऐसा वैल्यू हमें मिल गया जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर रहा हो, इसका मतलब वो इक्वेशन होगा ना कि आइडेंटिटी होगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो विल बी एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी कब होगा, आइडेंटिटी होने का मतलब एक्स का हर एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई करता, यानी एक्स के जगह पर कोई भी वैल्यू रखते हैं तो इसको सेटिस्फाई कर देना चाहिए। जबकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके पास कितना रूट्स होगा, सिर्फ दो, तो इसका मतलब इसको दो ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। जबकि हम कह रहे हैं कि आइडेंटिटी है, इसका मतलब एक्स के जगह पर कोई भी वैल्यू अगर हम रखते हैं तो वो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा इसका। और ये तभी संभव है जब सारा का सारा कोफिशियंट जीरो हो जाए। देन इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इक्वल टू कितना, जीरो। सो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी तब कहलाएगा जब एक्स स्क्वायर, एक्स और कॉन्स्टेंट टर्म यानी जितना भी कोफिशियंट्स है वो सारा का सारा अगर जीरो के बराबर है तो वो कहलाएगा क्या, आइडेंटिटी। तो ये था बेसिक टर्म्स, एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, इक्वेशन किसको कहते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। तो इस सारी चीजों के बारे में हम लोग सीखे। अब आगे चैप्टर के डेफिनेशन पर आते हैं। किसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10th क्लास में हम लोग पहले ही पढ़े हैं। वैसा इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसा इक्वेशन जिसका फॉर्मेट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का हो, जहां ए जीरो के बराबर ना हो, क्योंकि अगर ए जीरो के बराबर होगा तो ये वाला टर्म समाप्त हो जाएगा और इसके बाद बच जाएगा बी एक्स प्लस सी जो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लीनियर इक्वेशन में। इसलिए यहां कंडीशन लगता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अब अगर बी इक्वल टू जीरो देन इट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक, अदरवाइज कॉल्ड एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में b क्या है,
एक्स का कोफिशियंट। अगर एक्स का कोफिशियंट जीरो हो, यानी अगर एक्स वाला टर्म ना हो, तो वैसे इक्वेशन को कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू कितना, जीरो। यहाँ ए का वैल्यू कितना है वन, बी का वैल्यू कितना है जीरो, सी का वैल्यू कितना है माइनस थ्री, तो बी जीरो के बराबर है, इसलिए ये इक्वेशन क्या कहलाएगा, प्योर क्वाड्रेटिक। जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इक्वल टू जीरो, ये दोनों, ये कैसा इक्वेशन, एड फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये कैसा इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जहां बी जीरो के बराबर हो तो प्योर क्वाड्रेटिक, और अगर बी जीरो के बराबर ना हो तो एड फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? अब अगला पॉइंट, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना, जीरो। यहां से एक कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई इंटू एक्स प्लस कितना, सी वाई इक्वल टू जीरो। सो ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू बी वाई टू ए इंटू एक्स प्लस बी वाई बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर प्लस सी वाई ए इज इक्वल टू जीरो। और ये ए इंटू यहां से यहां तक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सो एक्स प्लस बी वाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर माइनस 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 प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। सो ए इंटू एक्स प्लस बी वाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम फोर ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस कितना फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। सो एक्स प्लस बी वाई टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन कितना, फोर ए स्क्वायर। तो यहां से बताओ कोई, एक्स प्लस बी वाई टू ए इज इक्वल टू कितना होगा, सो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का रूट बाय कितना, टू ए। सो एक्स इक्वल टू माइनस बी वाई टू ए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन कितना, टू ए। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी अपॉन कितना, टू ए, वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस कितना, फोर ए सी, एंड d इज कॉल्ड क्या, डिस्क्रिमिनेंट। तो किसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो रूट्स है, एक रूट्स माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए, और दूसरा रूट माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए। टेंथ क्लास में ये चीज पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए हमने कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई ए इंटू एक्स प्लस सी वाई ए इक्वल टू जीरो। अभी हम इसको परफेक्ट स्क्वायर यहाँ बना रहे हैं, तो ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ टू ए बी का फॉर्म लाने के लिए टू से मल्टीप्लाई किया, टू से डिवाइड किया, टू इंटू बी वाई टू ए इंटू एक्स प्लस बी का वैल्यू है यहाँ बी वाई टू ए, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स बी वाई टू ए का होल स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट किया, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू जीरो। सो a इनटू यहां से यहां तक a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस कॉमन लिया तो b स्क्वायर बाय 4a एंड माइनस माइनस प्लस c बाय a। सो x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम लिया 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac। सो यहां ये माइनस वाला उस साइड राइट साइड जाके प्लस हो गया, सो x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर, ये वाला ए चला गया जीरो में। सो एक्स प्लस बी वाई टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जब ए तो एक्स इक्वल टू कितना होता है, प्लस माइनस रूट ए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए तो एक्स बराबर होता है प्लस माइनस रूट ए, मतलब किसी एक साइड से जब स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड में क्या लगता है, प्लस माइनस रूट। तो यहां से भी ये स्क्वायर हटा था और इस साइड में आके क्या लगा, प्लस माइनस रूट, ऊपर में रूट लगा नीचे में फोर ए स्क्वायर का रूट टू ए के बराबर।
ये b बाई टू है राइट साइड गया तो माइनस b बाई टू है प्लस माइनस इतना बाई टू है, एलसीएम लिया तो x का वैल्यू आया माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन कितना 2 है, जहां t कितना के बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac के, और जहां t को हम लोग क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? अगला टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर कैसा हो। तो अभी हम लोग निकाले हैं रूट इज इक्वल टू कितना माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई कितना 2 है। सो यहां एक वैल्यू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2 है और ये माइनस बी प्लस रूट डी बाई कितना 2 है। इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बीटा। इसका ये मतलब नहीं कि अल्फा का वैल्यू उतना होता और बीटा का वैल्यू इतना। किसी एक रूट को हमने अल्फा माना, नाम दिया अल्फा, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कैटरीना करीना जो भी नाम देना है दे दो। अल्फा इसका वैल्यू हमने रखा, इसका नाम हमने क्या रखा बीटा। तो रूट्स जो है वो डिपेंड यहां पर रूट वाले टर्म्स पे करेगा। किसी रूट्स का नेचर क्या होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है, कौन सा एक्सप्रेशन है यहां डी। तो नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड किस पर करेगा डी पर। अगर डी जीरो के बराबर हो, डी अगर जीरो के बराबर होगा तो यहां भी रूट्स होगा माइनस बी बाई टू है, यहां भी रूट्स होगा माइनस बी बाई टू है। सो रूट्स आर रियल एंड कैसा इक्वल। अगर डी जीरो से छोटा हो, डी जीरो से छोटा होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आएगा और वो इमेजिनरी हो जाता है। सो रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी। अगर d 0 से बड़ा हो तो इसका वैल्यू अलग आएगा और इसका वैल्यू अलग आएगा, उस केस में रूट्स कैसा होगा, रियल तो होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर d परफेक्ट स्क्वायर हो, इफ d इज ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब किसी रैशनल नंबर का स्क्वायर, जैसे 4 2 का स्क्वायर है, 2 कैसा नंबर है रैशनल, लेकिन 2 भी रूट 2 का स्क्वायर होता है लेकिन रूट 2 कैसा नंबर है इरेशनल। सो 2 जो कि रूट 2 का स्क्वायर है दैट इज इरेशनल नंबर का स्क्वायर है, इसलिए 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 1/4 1/9 परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, जब डी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये कैसा नंबर देगा रैशनल, ये भी रैशनल, उस केस में रूट्स आर कैसा रैशनल, रूट्स आर कैसा रैशनल, रूट्स जो होगा वो रैशनल होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो जाए, a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो के बराबर है, मतलब कोफिशियंट का सम अगर जीरो के बराबर है तो उस केस में एक रूट्स वन होगा, वन रूट विल बी वन, एक रूट जो होगा वो वन होगा एंड अदर रूट विल बी सी बाई, एक रूट वन के बराबर होगा और दूसरा रूट जो होगा वो सी बाई ए के बराबर। कब ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो अगर होगा, कोफिशियंट का अगर सम जीरो के बराबर होगा तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट में से एक रूट वन होगा और जो दूसरा रूट होगा वो होगा सी बाई ए। यहां तक हम लोग फर्स्ट क्लास पढ़े हैं, अगले क्लास में इस पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।